दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग हेडफोन और एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हेडफोन और एयरफोन इस्तेमाल करते समय सर में दर्द या आंखों में दर्द है, चक्कर आता है? क्योंकि ज्यादा हेडफोन और एयरफोन का इस्तेमाल करने वालों का मौत भी हो जाता है। दोस्तों आज के समय में इंसान ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है और हमने से अधिकतर लोगों की दुनिया फोन में ही चली जाती है। बस कान में एयरफोन लगाए और शुरू हो गए, फिर हमें आसपास की दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि ये फोन में हमें ताकत भी है। हम आसपास की चीजों को इग्नोर करके अपने मतलब की चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी और कौन हमें किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, इस चीज को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहना। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हेडफोन्स कान के लिए खतरनाक हैं। दोस्तों अगर हम हेडफोन्स या फिर एयरफोन का इस्तेमाल करके सबसे पहले और सबसे बड़े नुकसान की बात करें तो वो हमारे सुनने की क्षमता। जी हाँ, ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्हें लाउड म्यूजिक सुनना है या फिर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता होगा। लेकिन अक्सर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब भी कभी आप अपने फोन में हेडफोन लगाकर कोई गाना सुनते हैं और वॉल्यूम को बिल्कुल हाई कर देते हैं तो ज्यादा समय तक ऐसा करने पर आपको एक मैसेज स्क्रीन पर आने लगता है, या फिर कह लीजिए कि एक तरह की वार्निंग आपका मोबाइल फोन आपको देने लगता है। अगर आप इसी हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक को सुन रहे हैं तो ऐसे में आपके सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है या फिर कह लीजिए डैमेज हो सकती है। वैसे इस तरह की चीजों को हम सभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भला एक दो बार तेज वॉल्यूम में जिसे सुनने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और जब आदत इस तरह की हो तो उसका नुकसान तो झेलना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों शायद आप इस बात से अनजान हो कि रोजाना आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर में हेडफोन या फिर एयरफोन लगाकर तेज वॉल्यूम में म्यूजिक सुनते हैं, और ये चीज आपके सुनने की क्षमता को बहुत ही ज्यादा कम करने लगेगी और धीरे धीरे ये चीज आपकी सुनने की क्षमता को लगभग खत्म कर देगी। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बस 3-4 घंटे हाई वॉल्यूम एयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करके चीजों को सुनिए और उसके बाद उन्हें उतार कर दीजिए, जिसके बाद जो कोई भी आपसे पूछेगा वो आपको वो चीज ठीक से सुनाई नहीं देगी। इसलिए आपके पेरेंट्स भी आपको अक्सर इस बात के लिए डांटते रहते होंगे कि दिन भर कान में हेडफोन लगाकर नहीं रखना चाहिए वरना बहरे हो जाओगे, जो कि बिल्कुल सच है। हेडफोन लगाने से कान में दर्द होता है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर हम तीसरे नुकसान की बात करें तो भाई साहब उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और वो नुकसान कुछ और नहीं बल्कि कानों में दर्द होना है। भले ही जितना कंफर्टेबल से कंफर्टेबल हेडफोन या फिर एयरफोन क्यों नहीं लगा, लेकिन ज्यादा समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके कानों में प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके कानों में दर्द होना लाजमी है। लेकिन अगर आप एक अच्छी चीज इस्तेमाल करेंगे तो दर्द हल्का फुल्का होगा और जल्दी चला जाएगा। इसलिए हमेशा ट्राई करें अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। हमें पूरा यकीन है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्यादा हेडफोन और एयरफोन यूज नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप लिमिट में इसका इस्तेमाल करते हैं और वॉल्यूम को धीमा रखते हैं तो यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखें, और अब आपको इसके बारे में क्या कहना है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।